तो दोस्तों आज हम आ गए हैं पुणे में, वेलकम टू आवर स्मॉल पुणे सीरीज। सो लेट्स सी हम क्या-क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं पुणे में। अभी हमारा बेस है यहाँ पे आज मुगल गार्डन सोसाइटी, तो यहाँ से हम निकलेंगे पावना लेक के लिए। यहाँ से आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की दूरी पे है, हम बाय कार जा रहे हैं। वी आर गोइंग विद आवर सिबलिंग्स टुडे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यार ये रास्ता बहुत ही मस्त है और मतलब ग्रीनरी चारों तरफ इतनी है और मतलब मजा आ रहा है यार यहाँ पे। और अभी बारिश हुई थी और बारिश रुक चुकी है और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हम आ चुके हैं पावना लेक और अभी हम कार पार्क कर रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग है, होटल्स हैं, कुछ कुछ खाने पीने का भी है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। यार रास्ता तो बहुत ही अमेजिंग था और देखा ही आपने जैसे वीडियो में कितनी मस्त पहाड़ी, पानी, मज़ा आ गया। तो गूगल मैप पे पावना लेक डालोगे ना तो ये मेन रास्ते से हल्का सा कट मार के यहाँ से दिखाएगा, फिर थोड़ा सा कच्चा रास्ता होगा, आप कार ले जा सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि ऐसे पैदल पैदल चल लो, बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ से रास्ता जाएगा, इधर खाने पीने की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चाय है, कुछ होटल होटल है खाने पीने का। देखो इधर दिखाते हैं, तो अभी हम लोगों ने ये कार पार्क करी थी, यहाँ पे प्राइवेट जगह है ये, तो यहाँ के 50 रुपीज़ है। यहाँ से वॉक करते हुए जाना है, अभी हमें वो लेक दिख रही है आप लोगों को। तो भाई कैसा है फर्स्ट इम्प्रेशन पावना लेक का? बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बिल्कुल ब्रेड टेकिंग है और यार मजा आ रहा है। कलाकारी देख रहे हो यार, बिल्कुल गजब। तो अनएक्सपेक्टेड सी बारिश हो गई है, तो हम में से डिस्पोजेबल से थैली जैसे ये रेनकोट लेके आए हैं, 50 रुपए का मिला है यहाँ पे। ओके कहाँ गया? फंस गए यार। तो हम लोग ऐसे जादू बन के अब पावना लेक की तरफ जा रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है कंटिन्यूस। अगर बहुत देर तक बैठना है तो ना गीले होके फिर परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए हमने सोचा चलो पहले लगा ही लेते हैं फिर आगे देखेंगे। मॉनसून में ना महाराष्ट्र कुछ अलग ही ऐसा दिख रहा है, कहीं कहीं पे दिख रही पीछे बारिश, कहीं कहीं पे देखो पीछे पहाड़ जैसा उससे बारिश हो रही दिख रहा है, सीधा सीधा बादल है चारों तरफ। अब आ चुके हैं सेंटर ऑफ द पावना लेक, ऑब्वियसली नॉट सेंटर, बीच में नहीं जा सकते, बट ये ऐसा कुछ नीचे वॉक करने के बाद में ऐसा रास्ता दिख रहा है। यहाँ पे हमारा पिकनिक वाला चीज़ सेट करेंगे, जब तक बारिश हमें अलाउ करती तब तक हम बैठेंगे, फिर वापस पैकअप करेंगे और साइड में बैठ जाएंगे टीप पे। तो जमाल ही हमने हमारी पिकनिक का स्पॉट और ये लोग बैठ गए हैं बिल्कुल, और हम लोग मस्त पराठे बना के लेकर आए हैं और अभी इंजॉय करेंगे व्यू के साथ, बस चाय की कमी रह गई। अगली बार ना चाय ऐसे वो थर्मस में लेके आनी पड़ेगी ऐसा लगता है, तो जस्ट अ टिप फॉर यू गाइस। तो आप भी आओ यहाँ पिकनिक करो, पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए हम सभी को, क्या चीज़ कि गंदगी ना फैलाएं। हाँ तो हम जो भी सामान लेके आएंगे ऑब्वियसली हम सारा कचरा वगैरह सब साथ में लेके जाएंगे, एंड प्लीज प्लीज आप भी सेम चीज़ करिएगा। तो बारिश हो गई एकदम से, हमारा जादू लेट गया है। और हम ऐसे ना दुबक गए अपने अपने छातों के नीचे। तो ये जो हमारे जो ऐसे 50-50 रुपए के थे फर्जी से रेनकोट थे वो फट गए हैं, वो प्रो का पूरा ऐसे ना टेस्ट हो जाएगा कि वाटर प्रूफ कितना सही है कि नहीं है,
चलते हैं हम थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं, दिख नहीं रहा मेरे को क्या चल रहा है इधर, ऐसे हो रखे हम। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इस वाली जगह पे कभी भी बारिश आ ही सकती है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हम छाते वाते भी लेके आए थे, एक प्रॉपर रेनकोट था और दो तीन ऐसे फर्जी वाले रेनकोट थे। खूब मस्ती कर ली थी हमने, भीग गए थे। हम निकलते हैं वापस हमारी गाड़ी की तरफ, और रास्ते में इच्छा होगी तो कुछ चाय वाय लेंगे, नहीं तो सीधा बैक टू पुणे। ये जादू हमारा योगा मैट लेके जाते हुए। बारिश बारिश में पूरी धुआंधम, ऐसे ना अब नज़ारा बहुत बढ़िया हो चुका है। नेक्स्ट हम गाड़ी में बैठ के अपडेट देते हैं। तो इसी के साथ हमारा पावना लेक वाला ट्रिप लगभग एंड होने वाला है। तो अब बताओ क्या किसका कैसा रहा है एक्सपीरियंस? मेरे को तो बहुत मजा आया, बस अब गर्मा गर्म चाय और वड़ा पाव मिल जाए। आप लोगों को बताइए पीछे वालों, बहुत मजा आया और सबको मैं रिकमेंड करूंगा आइए यहाँ पे और कैंपिंग करें। हाँ सही है, संडे का दिन था, हमने सोचा फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो हम ऐसे पुणे में भी थोड़े बहुत और एडवेंचर करेंगे एंड अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड काफी सारे एडवेंचर्स करेंगे। इन सारे एडवेंचर्स में हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए क्या करेंगे आप? सब्सक्राइब आवर चैनल फ्लाइंग डंपलिंग्स।